बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल यही होगा कि द एलिफेंट व्हिस्परर को एक्चुअली में ऑस्कर अवार्ड मिला क्यों। और भाई साहब ये मतलब मूवी इतना ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड डिजर्व करती भी है कि नहीं। भाई देखो मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बताऊं तो सबसे पहला चीज़ है कि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है इंडिया के लिए कि भाई किसी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला। और मुझे सच बताऊं कि मुझे इस मूवी के बारे में एकदम भी पता नहीं था। मैंने ऑस्कर अवार्ड देखा ना, उसके बाद मेरे को पता चला कि ऐसी भी कोई शॉर्ट मूवी यानी डॉक्यूमेंट्री बोलकर रिलीज हुई है। उसके बाद से मैंने इसको देखा और देखने के बाद से जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना यार, तुम सच बता रहा हो तुम एकदम भी यकीन नहीं करोगे। जिस तरीके से एक माँ और बेटे का रिलेशन होता है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है, मतलब हर उसकी एक जरूरत की चीज को पूरा करती है। और ठीक इसी मूवी को देखने के बाद से ना मैं सच में एकदम रो पड़ा। जब जब कुछ सीन्स याद करता हूँ ना उस मूवी के बारे में, तब तब मेरे को अभी भी रोना आ जाता है, इतना ज्यादा सीरियस है ये। तो जो बेस्ड है ये तमिलनाडु के एक जंगल मुदुमलाया टाइगर पार्क पे बेस्ड है। वहां पर एक ओल्ड एज कपल रहते, मतलब बहुत ही बूढ़े टाइप के कपल रहते हैं एक छोटी सी घर में एकदम जंगलों के बीच में। और वहाँ पर उनका जो रिवाज है ना, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी आती है ना, उनका काम है कि हाथियों की देखभाल करना। उसके बाद से ये लोग भी अपना फर्ज निभाते हैं और ये लोग भी बेबी हाथी को अपने घर में पालते हैं जिसका नाम इन्होंने रघु रखा। तो इस मूवी को देखने के बाद से ना तुम पक्का समझ जाओ कि सिर्फ इंसान इंसान को ही प्यार नहीं करता, बल्कि जानवर इंसान को भी प्यार कर सकता है और इंसान जानवर को भी प्यार कर सकता है और जानवर जानवर में भी प्यार होता है, वो इमोशंस होता है, सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। जो रघु को इन्होंने रखा था ना, मतलब अपने बेटे से भी बढ़कर रखा था, मतलब डेली सुबह कैसे बच्चे लोगों को नहलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, भाई सेम तरीका से एकदम, मतलब ये जो रघु है ना, जो हाथी का बेबी है भाई, वो उनकी सब कुछ बातें समझता। अगर वो बोलते बैठ जा तो बैठ जा, उसके बाद से बोलते भाग के इधर आ जा दूध पी ले, भाई सब मतलब हर कुछ समझता है। उसके बाद से वो कितना ज़्यादा फायदा होता है ना उसको रखने पे, मतलब जो फीलिंग कनेक्शन होता है ना यार जानवर से, वो इस मूवी में आपको पक्का समझा देगा। ये मूवी 40 मिनट की, और उसके बाद से जब तुम आधा घंटा तक ये मूवी देख लोगे ना, तो एक अजीब सा झटका तुमको लगेगा ना, और भाई साहब तुम पक्का रो दोगे उन लोगों के साथ जो होता है और रघु के साथ जो होता है, वो चीज़ मैं नहीं बोलूंगा। 40 मिनट का भाई साहब, इसको आप नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हो। वो सीन जो मतलब डायरेक्टर ने दिखाया है ना भाई साहब, देखो ये तो डॉक्यूमेंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि कुछ भी फेक है भाई, लेकिन उनका जो रहना सहना, मतलब कितना अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है यार, मेरे को खुशी आ रहा था। मतलब एक आसपास कोई भी नहीं है, एक जानवर है वही सब कुछ करता है और वो लोग भी उसके लिए सब कुछ करते हैं। सच बता रहा हूँ ये मूवी सच में डिजर्व करती है ऑस्कर अवार्ड, और इसने सच में लिया भाई। यार मेरे को पता है, मेरे को लग रहा था कि और मेरे को देखना है, बहुत जल्दी खत्म हो गया भाई, और मेरे को देखना था मतलब। और जो हिंदी डब में जिस तरीके से बोला है ना, उसमें और भी तुमको अच्छा लगेगा, मतलब हर एक चीज क्लियरली तुमको समझे। बहुत सारे लैंग्वेज में इसको रिलीज किया गया और डब किया गया, तो तुम नेटफ्लिक्स पे जाकर देखो यार, सच में तुम रो पड़ोगे यार। तो चलो आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।